वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। दिस इज योर मुबशिर, यू गाइस आर वाचिंग मुबशिर ब्लॉग्स। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूँ फ्रॉम सुरूफ था, जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो अपलोड नहीं कर सका पीछे काफ़ी दिनों में। तो आज हम फ्री हुए हैं और हमने सोचा यार क्यों ना अपने बाइक के डिस्क पैड चेंज कर लिए जाएँ, क्योंकि वो नियर टू एंड है। और चेंज करने की क्या कॉज है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर मैं रिस्क लेता तो मेरा जो डिस्क का जो पैन होता है, तवा जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप प्लेट कह लें, तो वो उसके ऊपर ना लाइंस पड़ जाती हैं, तो फिर उस पर टूल लगवाना पड़ता है। सो आई डोंट वांट दैट। आई नेवर चेंज इट बाय माई सेल्फ बिफोर, इट्स माई वेरी फर्स्ट टाइम एज वेल, मतलब जो मैं खुद चेंज कर रहा हूँ। तो अभी देखते हैं किस तरह से चेंज होते हैं और इनको चेंज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, आइए देखते हैं। तो गाइज़ ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ एंड इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है। अगर मैं इसकी प्राइस के साथ कंपेयर करूँ, 300 में मेरा बाइक, पहले आई थिंक मैंने 9000 पे चेंज कराए थे, 9000 पे आई थिंक एग्जैक्टली 9000 और थोड़ा सा अबव भी हो सकता है, लेकिन 6 to 6500 किलोमीटर्स ये ड्रिवन हुए हैं और अभी भी मेरे लेदर्स पड़े हुए हैं। बट आई वॉन्ट टू चेंज, रिस्क नहीं लेना चाहता, वरना जो है ना वो डिस्क पे टूल लगवाना पड़ेगा। इस पैन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी देखते हैं इसको लगाने का क्या प्रोसीजर है। वेल आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा, ओनली 300 रुपीज़ में ये आप इतना मतलब ट्रैवल करते हैं। अभी आपके जो लोकल चाइना वाले भी हैं, आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट 700 to 800 रुपीज़ के हैं, जो कि बहुत ही लो क्वालिटी में, और इसकी क्वालिटी से बहुत अच्छी है, बिकॉज मैं एक बार वो भी चेंज करके देख चुका हूँ। उसके साथ मुझे बाइक ने कितनी, मेरा ख्याल है 2000 या 2500 मतलब किलोमीटर्स बाद ही वो ख़त्म हो गए थे, वो इतने बेकार थे। तो उसके बाद मैंने शाकिर भाई को ट्राई किया और ये मुझे अली मैकेनिक ने रेकमेंड किया था, जो कि सुजुकी का काफ़ी माना जाना रावलपिंडी का मैकेनिक है एक। तो वेल उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो ये है डिस्क पैड, आप देखते हैं इसको चेंज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेट्स गो। तो ये बोल्ट नज़र आ रहे हैं गालवन, मुझे तो ये लग रहा है कि ये 12 का बोल्ट है, तो देखते हैं इसको। ये है 12 की गोट, एग्जैक्टली ये 12 का ये, तो आपको इसके लिए 12 की आई थिंक बोल्ट चाहिए होगी ये। और ये इसका कैप है यहाँ पे, अब इसको रिमूव कर लेते हैं। ये कैप मैंने रिमूव कर लिया है, देयर यू गो, यहाँ पे भी एक अवेलेबल है 12 की बोल्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव, ये मेरी किट है, गंदी हालत में बस इसको ऑर्गेनाइज में इतना रखता नहीं, लेकिन ये है कि मेरा अच्छा काम इसमें यूटिलाइज हो जाता है। और एक ये टूल किट है, बट आई डोंट थिंक रदर कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़नी है, लेकिन फिर भी जस्ट आपको दिखा रहा हूँ यार कि थोड़ी सी प्रिपरेशन हो तो दैल बी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, वेट करिएगा। अब मैं मोबाइल को एक साइड पे ट्राईपॉड पे लगाऊंगा ताकि आप लोग इजीली पर्सपेक्टिव देख सकें यार कि क्या हिसाब किताब है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं 12 नंबर का एक वो चाहिए गोट और रैचेट, यहाँ पे प्लग कर दिया। आफ्टर दैट प्लान चेंज किया थोड़ा सा मैंने ना, क्योंकि मुझे एक और प्रोसीजर नज़र आया विच इज़ वेरी इजी, कि हम इस वाले बोर्ड को नहीं खोलेंगे, हम जस्ट नीचे वाले बोर्ड को खोलेंगे। सो मेक श्योर, गो फॉर इट, देयर यू गो, ऑल सेट। अब यहाँ से ये वाला कैप रिमूव करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाले कैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम रिमूव करेंगे। इसके नीचे ही 12 नंबर का बोल्ट है, इसको भी मतलब सेट लूज कर देना। वेट फॉर इट, मैं देखूं कैमरे में ठीक नज़र आ रहा है। यस इट इज ओके, ये भी लूज हो गया, इसको भी खोल लेते हैं। ऑल सेट, फर्स्ट बोल्ट आउट, इसको भी निकाल लिया हमने। सेकंड बोल्ट ये यहाँ से है और एक बोल्ट यहाँ से है। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली प्लेट है, इसके लिए हमें एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर इज द स्क्रू ड्राइवर, देयर यू गो, स्क्रू ड्राइवर। इसके ऊपर यहाँ पे पेच होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी इजी। और दो नॉब्स बनी हुई ऊपर, उनमें से एक नॉब के नीचे वाली नॉब के अंदर ये पिन एडजस्ट होगी, ऊपर वाली के अंदर मतलब ये वाला स्क्रू लगता है। ऑल सेट, अब इसको हम साइड पे रख देंगे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, मैं कैमरा लेके आता हूँ ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूँ। सो गाइस
दिस इज़ द पोजीशन राइट नाउ। ये वाला बोल्ट मैंने अनलॉक किया है यहाँ से, और ये वाला। आफ्टर दैट यहाँ पे नीचे वाली साइड के ऊपर ही दो पिन हैं बेसिकली। यहाँ पे वो पिन स्टक होती है, ऊपर वाली में लगता है स्क्रू। अब ये आ गई इसकी बैक साइड के ऊपर डिस्क पैड। अब देखते हैं ये किस तरह से उतरते हैं, उस साइड से जाकर ज़रा जायज़ा लेके आते हैं। सो गाइस, बिल्कुल हम अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब हमने इसको ऊपर की तरफ इस प्लेट को ड्रैग करना है, और जैसे मैंने ड्रैग किया एक पतरी ऑलरेडी आ चुकी है बाहर। ओके, पिस्टन है, हम इसको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। ये वाला पैड ऊपर से, और ये वाला पैड इस साइड से। पतली की पोजीशन लाजमी देख लेंगे। देयर यू गो गाइस, स्टिल अभी भी ये देखें आपके सामने कि कितनी यूटिलाइज। स्टिल देयर इज समथिंग। मैं ब्राइटनेस यार थोड़ी लो कर लेता हूँ। अब आप देखो अभी भी ये बड़ा होता है इस साइड वाला। लेट्स गो फॉर द अदर साइड। ये अच्छा बड़ी वाली प्लेट होती है। ये दो पतरियाँ आ गई हैं हमारे पास। देखो एक पतरी ये रही, एक पतरी ये रही, एंड वेयर इज द अदर वन। वो जो दूसरी साइड का पीस आया यार डिस्क वाला, वो कितने गया भाई? व्हाट द हेल। ओह देखो यार ये बड़ी हुई, वेरी अमेजिंग यार। अच्छा इस साइड वाला तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था यार। ये देखिए आप, ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक हो गया गाइस। चलिए जी दूसरे की बारी। अब देखते हैं कि पतरी किस तरह से लगती है, क्या हिसाब है। इसको रखते हैं साइड में, ग्रैब द न्यू वन। ओके तेरी को, ये वो है जो मैंने शाकर से लगवाए हुए हैं अपना लेदर। चलिए जी अब देखते हैं इसको, पतरी को हमने किस तरह से लगाना है। अब मैं मोबाइल को एक जगह पर सेट करता हूँ ताकि आप इजीली देख सको। तो यार मोबाइल मैंने सेट कर लिए, हम देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। एग्जैक्टली ये बाहर पतरी है, ये अंदर वाली साइड है, और ये बाहर वाली। ठीक हो गया। जो दो पिन वाली साइड है आई थिंक ये आउटर साइड है। ऑल सेट। सो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस थिंग। यस इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। परफेक्ट एंगल है यार ये इसका। ये देखिए यार ये इसको इस तरह से होना चाहिए। ऑल सेट। अब उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से लगेगा इसके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा यार कि ये क्या हिसाब है। मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे भी इसका इतना आइडिया नहीं है। ओके टू ग्रैब इट लाइक दैट इन द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स टू। देखते हैं ये राजा थोड़ा सा टफ होता है भाई जब आप कोई मैकेनिक ही नहीं हो। या इट इज़ टफ, बट हर चीज़ करने से ही आती है, तो करेंगे तो हमें भी आएगी आपके साथ साथ। ओए ओए वेट यार, ये फिर पेन बाहर निकल गई। कॉम्प्लिकेशन। ओके ओके यार साइड एडजस्ट हो गई, परफेक्ट।
नाउ इट्स फॉर द अदर एंड. उस साइड से मैंने देखा था. होप दैट आई एम डूइंग इट नाइसली एंड प्रिसाइसली. साइड से गई हूँ तो पत्री जो थी वो आई थिंक इस साइड पे बनती है. पत्री का एंगल यार मुझे बहुत नहीं समझ लग रहा. आई थिंक बिकॉज़ आई डिडंट सी इट प्रॉपरली. ओह यस देयर यू गो दिस वाज द पोजीशन. तो यार ये पोजीशन है. अब उस तरफ चलते हैं देखते हैं किस तरह से लगेगा. मैं देखूँ तो बाबा जी हम इस साइड पे भी आ गए हैं. सो लेट्स सी. ठीक है यार. अच्छा मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूँ. एक्सट्रीमली सॉरी मैं भूल गया था कि मैंने आपको दिखानी है कि इस साइड की पत्री को हमने किस तरह से प्रेस किया. सो यार गाइस इसको हमने थोड़ा सा टक इन, मतलब ये पत्री का एंगल यूँ होगा, पैड यूँ लगेगा. ठीक है यहाँ पे ये कट बना हुआ है, आप ठीक से देख पा रहे होंगे होपफुली. और ये आपने इसमें इस तरह इंसर्ट करना है. देयर यू गो ऑल सेट. अब हम पहले रखेंगे, यहाँ से डालते हैं हम पैड को. और सर ये पैड का एंगल बनाया आपने. अब मैं जैसे करूँगा ये पत्री को इंसर्ट वो जिस पर्पज में मैंने आपको बताया था. और सर एंड देन देयर यू गो. सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ जिस पैड को यहाँ से, मतलब मैंने थोड़ा सा उसको उसकी पोजीशन सेट की पहले फर्स्ट, ठीक हो गया. और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके भाई ने क्या किया. सिलेंडर को मैंने थोड़ा सा उस तरह, पहले मैंने दोनों की गेज को लेवल पे मेजरमेंट की, गैप के दोनों उसके ऊपर आ जाए और कहीं से मतलब फ्लिक ना हो रहा हो, क्या मतलब ना एक साइड पे पुश ना दे रहा हो. तो यहाँ पे जो पिस्टन को मैं आपको दिखा रहा था, इस रैचेट की मदद से मैंने उसको प्रेस किया. वो प्रेस किया तो सिलेंडर थोड़ा सा पीछे पुल हो गया जो प्रेशर बिल्ड कर रहा था. और आफ्टर दैट कि जब वो मैंने उसको पुश किया तो वो मतलब गैप इंक्रीज़ हो गया. और मैंने साथ ही ऊपर प्लेट को देखा जब मेजरमेंट की दोनों साइड से पत्रियों से ऊपर आ रहा था वो, मैंने उसको हिट किया और इंस्टेंटली ये इसके ऊपर बैठ गया. तो अब चलते हैं आगे की तरफ. ये प्रोसीजर तुम्हारा यहाँ से बज़ाहिर हो गया. मैं ब्रेक को चेक कर रहा हूँ बगैर अभी हो किए. मैंने बोल्ट स्ट्राइट नहीं की बंदो. ऑल दैट इट सीम्स लाइक इट्स ओके नाउ लेट्स डू दिस. आइए आपको साइड भी नहीं चलते. सो बैक टू दिस पोजीशन. इट्स वेरी सिंपल एंड इजी. थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है नए बंदे के लिए. आज मैंने फर्स्ट टाइम किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ बट इट्स नॉट अ बिग डील. सो लेट्स गो फॉर इट. अब उसको टाइट करना शुरू करते हैं. टाइट करने से पहले आई थिंक कि हम फर्स्ट इससे ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सॉरी. सो दिस इज़ द पिन. अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब आपने इजीली देखना. इसमें कोई बड़ी बात नहीं, फनकारी वाला काम नहीं है. नीचे वाली ये जो पिन है एज यू गाइस कैन सी, ठीक है. पहले आपका भाई इसको थोड़ा साफ कर लेता ताकि मुझे बार बार ना इसको वो नहीं करना पड़ेगा. मैं अपना ब्रश लेकर आता हूँ. वेट फॉर इट. तो देयर यू गो, ये आ गया हमारा ब्रश. वैसे हम लोग सिर्फ कि यार जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ से बाइक ज़रा सुथरा हो जाएगा. छोटा सा ब्रश है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है दिखाने वाले. लेकिन मैंने कहा फिर भी अच्छा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ. दिस इज़ द प्लेट. ओके सिंपल वेरी इजी नॉट अ बिग डील. यहाँ से आपने ये नीचे वाली पिन इंसर्ट कर ली. अब आप इसको पकड़ लो. स्क्रू लग गया. अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देंगे. बिल्कुल ज़्यादा फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ स्लिप ना हो आपकी, ठीक है. अक्सर उका जी मैं देखता हूँ कि यार बहुत फोर्स लगा रहे थे. यस इट्स इनफ, ये टाइट हो गया. ओके नाउ इट्स टाइम फॉर द बोल्ट ओवर हियर. अच्छा इस बोल्ट के साथ यार एक वॉशर आती है. वॉशर नज़र आ रही है आपको, इसको रस्ट लगा हुआ है बट आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम.
इसका एज इट इज इंसर्ट कर देंगे। अब इसकी डायमेंशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये जाके अलग होता है। ये थोड़ी सी पोजीशन बनानी पड़ी बैक साइड के ऊपर। एक होल है जो प्लेट के अंदर बना होता है ना आपके डिस्पैड की, उसके अंदर जाके ये स्ट्रक हुआ है। वेल अगेन सेम प्रोसीजर, इट्स वेरी इजी एंड सिंपल गाइस, आप इजीली कर सकते हैं। ये टाइट हो गया, इसका कैप है, वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील एट ऑल। बोल्ट साफ करेंगे, इस साइड पे चलेंगे, पहले इसको बगैर उसके कर दें, जितना हो सकता है। ओके, आप टाइट करने का टाइम आ गया। सो गाइस इसको ही मैंने कर लिया, लेट्स चेक द ब्रेक नाउ। आ जाए कैमरा निकाल लेते हैं ट्राइपॉड से, बैक टू नॉर्मल ब्रेक। बाजी ब्रेक मस्त हो गई है, जो कि पहले बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, चसना कम हो गई थी। और जिंदाबाद 16,569 पे सॉरी मैंने पैड चेंज किए हैं, पैड सीम टू वर्किंग परफेक्टली। सो दिस इज़ इट गाइस, कुछ भी नहीं आपको चाहिए, जस्ट एक 12 नंबर का, मतलब 12 नंबर का आपको चाहिए टी रॉड, एक स्क्रू ड्राइवर और बाकी जिंदाबाद आपके हाथ। सो दिस इज़ इट। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, विच इज़ वेरी इजी यार, कितना सिंपल तरीके से मैंने अपने बाइक का डिस्पैड चेंज कर लिया। अगर मैं बाहर जाता तो आई थिंक वो मुझसे लेबर लेते 200-300, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। बट मेन जो हमारा फोकस ये होता है यार कि आपको खुद आना चाहिए, अपने हाथ का हुनर अपना ही होता है, क्योंकि हम लोग टूरिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो बंदा खुद चेंज कर सकता है, विच इज़ वेरी इजी, क्योंकि कुछ मुश्किल था नहीं। जस्ट ये वाला एक ये बोल्ट हमने सेट लूज़ किया था यहाँ से, एक पीछे से एक ये स्क्रू ड्राइवर वो किया था, ये हटा के कैप, ये कैप हटा के इसके पीछे भी बोल्ट इसको लूज़ किया था, और वो पतनी वाला आपने जिसमें सारा वीडियो में देखा। तो काफ़ी इजी था ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, आपका भाई कोशिश करेगा यार कि एज सून एज पॉसिबल वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।